इदं रामाय इदं नमः। यही तो भाजपा की प्रेरणा है, इदं राष्ट्राय इदं नमः। आज भारत समंदर जैसी विशाल चुनौतियों को पार करने, उनका मुकाबला करने में पहले से कहीं ज्यादा सक्षम है। हनुमान जी के ऐसे ही कई गुणों से हम सभी भाजपा कार्यकर्ता, हमारी पार्टी निरंतर प्रेरणा पाते हैं। हनुमान जी सब कुछ कर सकते हैं, सबके लिए करते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं करते। इदं रामाय इदं नमः। यही तो भाजपा की प्रेरणा है, इदं राष्ट्राय इदं नमः। भाजपा हनुमान जी की एक और बात से भी बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती रहती है हमें। जब हनुमान जी को राक्षसों का सामना करना पड़ा तो वो उतने ही कठोर भी हो गए थे। इसी तरह जब भ्रष्टाचार की बात आती है, परिवारवाद की बात आती है, कानून व्यवस्था की बात आती है, तो भाजपा उतनी ही संकल्पबद्ध हो जाती है मां भारती को इन बुराइयों से मुक्ति दिलाने के लिए। कठोर होना पड़े तो कठोर भी होती है। और हमारे लिए एक तो बहुत बड़ी प्रेरणा क्या है, आज की मॉडर्न परिभाषा में जिन बातों को बार बार जिक्र किया जाता है, और वो है कैन डू एटीट्यूड। अगर हनुमान जी का पूरा जीवन देखें, डगर डगर पर पल पल हनुमान जी के भीतर की कैन डू एटीट्यूड, कैन डू संकल्प शक्ति उनको हर प्रकार की सफलता लाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। कहा भी गया है, कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम्ही पाही, तुम्हें पाई। यानी ऐसा कोई भी काम नहीं है जो पवन पुत्र हनुमान कर नहीं सकते। इसलिए जब लक्ष्मण जी पर संकट आया तो हनुमान जी संजीवनी बुट्टी के लिए पूरा पर्वत ही उठा करके ले आए। भाजपा भी इसी प्रेरणा से परिणाम लाने में, लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करती रही है, करते रहना है, करते रहेंगे।